हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नीलोफर्स किचन। आज मैं बनाने वाली हूँ कोकोनट वड़ी। जैसे जैसे मराठी लोग को स्पाइसी, टिकट और झनझनी चीज़ें पसंद है, वैसे भी मीठा भी उनको बहुत पसंद है। तो उसी में से एक स्वीट डिश मैं आज बना रही हूँ, कोकोनट वड़ी। तो आइए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं कोकोनट वड़ी। एक वाटी फ्रेश कोकोनट है, 3/4 कप शुगर, मलाई है 3 टेबलस्पून। मलाई डालने का रीज़न ये है कि जब अपन वड़ी खाएंगे ना तो वो सॉफ्ट सॉफ्ट लगेगी। 1/2 कप दूध, दूध डालने का रीज़न ये है कि पूरी जो ये वड़ी है वो अच्छे से मिक एक जैसे डव जैसे बन जाएगी। इसको हम अच्छे से, मैं गैस फास्ट कर रही हूँ, इसका एक गोला होने तक हम इसको मिक्स करेंगे, कंटिन्यूस इसको हिलाएंगे हम लोग। इसका कलर चेंज नहीं करना है, जस्ट एक डव बने उतना ही हमको इसको मिक्स करना है। देखिए ये तैयार होने आया है, ये देखिए एक डव जैसा बनने आ रहा है। ये इलायची की पाउडर, मैं गैस बंद कर रही हूँ, को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। एक ट्रे ले लेंगे, इसके ऊपर अपन घी लगाएंगे अच्छी तरह से, फैला देंगे घी को। और ये जो मिश्रण है वो डालेंगे इसके ऊपर। इसको फैला देंगे अच्छी तरह से। इसके ऊपर बादाम और काजू कट किए हैं वो डालेंगे। इसको ठंडा होने के बाद इसके पीसेस निकालेंगे। ठंडी हो चुकी है, इसके मैं पीस कर लूंगी। आप इसको चाहिए तो शंकर पालू की भी शेप दे सकते हैं। बर्फी बनके तैयार है। ये खोपरे की वड़ी की रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।